राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य हमेशा ही समाज को भाते हैं। स्वयंसेवकों के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा ही समाज आगे आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समय समय पर कार्य होते रहते हैं, समय समय पर उनके प्रकल्प चलते रहते हैं। इसी के तहत शाखाओं में जाने वाले स्वयंसेवक हर वर्ष समय समय पर अपने प्रकट कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्वयंसेवकों के पथ संचलन भी खूब चर्चाओं का विषय बनते हैं, जिनके स्वागत के लिए समाज के लोग सड़कों पर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिस कार्यक्रम की बात करने हम जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकट कार्यक्रम। हाल ही में हमने मध्य भारत प्रांत का प्रकट कार्यक्रम देखा था, जिसमें सैकड़ों की हजारों की संख्या में स्वयंसेवक अपने दंड प्रयोग करके दिखा रहे थे, नए नए प्रयोग, नई नई रचनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इन्हें देखने के लिए समाज का बड़ा वर्ग भी आया हुआ था। ऐसा ही प्रकट कार्यक्रम गंज वासुदा में आयोजित हुआ, जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की और इसे देखने के लिए पूरे नगर से लोग आए हुए थे। इस प्रकट कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने आग के गोले के बीचों से निकलकर अपने स्वर का परिचय दिया और लोगों को बताया कि संघ की शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक किस तरह से अपने आप को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रखते हैं। गंज वासुदा में हुए इस कार्यक्रम की आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा कि कैसे स्वयंसेवक आग के गोलों से बीचों बीच जाता हुआ अपने शौर्य का परिचय दे रहा है। दरअसल गंज वासुदा में रविवार को तारण तरण जैन पाठशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला स्तरीय यह प्रकट कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें सिरोंज, लटेरी, कुरवाई एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से स्वयंसेवकों से आकर समता, सामूहिक समता, दंड योग, व्यायाम योग, रोप, मलखंब, अग्नि चक्र सहित विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। इसको देखने के लिए नगर के अलग अलग स्थानों से लोग एकत्रित हुए थे।